What's up YouTube? Hi, this is Ashish Kanojia and you watching my channel Vlog Venom. I'm here with Tora Himali Kamble and so today I'm the main purpose of making this video is that how I shoot photos for Instagram and like हाउ टू शूट फोटोज़ फॉर इंस्टाग्राम. प्रॉब्ली बहुत जन शूट करते हैं बट उनका जो रीच होता है वो उनको मिलता नहीं है, ठीक है. पहली बात तो ये है एंड देन सेकेंड ये होता है कि उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली कि इंस्टाग्राम पे फोटो शूट करके कैसे अपलोड करें, ठीक है. अपलोड तो कर देते हैं बट एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है, जो साइज़ है 1080p इंटू 1320 का जो रेशियो होता है वो उसमें आपको फोटो शूट करना पड़ता है. मैं आपको सब बताऊँगा मैं कैमरा में शूट कैसे करने वाला हूँ और एग्जैक्टली क्या सेटिंग रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है. एंड मेन लॉजिक तो ये है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ एंड पॉसिबली ऑल्सो मैं बताऊँगा कि आप लोग वो चीज़ करके कैसे अपने अकाउंट को नीश बना सकते. मेन है कि जब आप इंस्टाग्राम स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप लोग बहुत जन का प्रोफाइल देखते हो बट आप कुछ कुछ प्रोफाइल पे रुकते हो गए, उनका फोटो देखते हो बोले कि ये इतना मेहनत करके मतलब ऐसा फोटो शूट करता है. मतलब हमारा काम है यार कंटेंट क्रिएटिंग का, चलो. बट मेरे को बताना कि वो चीज़ वो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है. मैंने बहुत जन का फोटोज भी देखता हूँ कि उसमें टील एंड ऑरेंज तो करते हैं बट उनका जो सेटिंग होता है वो ओवर एक्सपोज हो जाता है, ठीक है. ओवर एक्सपोज होता है प्लस क्या होता है कि उन लोग बहुत एक्स्ट्रा कलर डाल देते हैं जो कि मतलब अजीब लगता है, मतलब ज़्यादा ब्लू ज़्यादा रेड. तो एडिटिंग के अगर आपको वो टिप्स चाहिए तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा. तो इस वीडियो में कमेंट करना कि मैं वो वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं. तो आज मैं पॉसिबली बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के लिए फोटो शूट कैसे करते हैं, ठीक है. एंड आप ये फ़ोन से भी कर सकते हो बट मेरे पास DSLR, तो मैं बोला कि क्यों ना मैं बेटर यूज़ कर लूँ उस चीज़ का. सो यह भी स्टार्ट मेरे साथ तोरा है आज जो हम लोग के साथ में शूट करेंगे. मेरी मॉडल है जो हमेशा मेरे डांस वीडियोज़ वगैरह में रहती है, सब में रहती है. सो यप देखते हैं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोटो शूट कैसे करें. सो हम लोग यहाँ पे शूट करने वाले हैं एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ग्रिड ऑन करना है, ओके. ग्रिड ऑन करके आप देख सकते हो जो लाइन्स है ग्रिड के कैमरे में, वो होना बहुत ज़रूरी है तभी आपको समझेगा कि मैं कैसे शूट करना है कैसे शूट नहीं करना है फोटोज़ को. तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने कैमरा ऑन कर दिया है एंड बेसिकली मैं जब शूट करता हूँ तो मैं जो ऊपर का आप स्पेस देख सकते हो मैं वो छोड़ देता हूँ, ठीक है. जब मैं एडिट करता हूँ ना तो मुझे ये एडिट करने में और ईजी पड़ता है. मैं ऊपर का हमेशा स्पेस छोड़ता हूँ, ऑब्जेक्ट को बीच में रखता हूँ नीचे फोरग्राउंड में, ठीक है. एंड मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे जितना स्पेस मिले मैं उतना यूटिलाइज करूँ. आप लोग देख सकते हो कि मैंने ऊपर का स्पेस छोड़ा हुआ नीचे के जगह ये किया हुआ है. एंड मेरा मेन रीज़न ये है कि आप जब एडिट करोगे ना तो आप अगर ऊपर स्पेस छोड़ते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में जब भी आप किसी का मेरा प्रोफाइल ओपन करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि मॉडल्स का जो भी पिक्चर्स है या फिर मेरा भी पिक्चर्स है आप लोग एकदम टाइट में देखोगे. आप लोग को ओपन करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पिक्चर मेरा फोटो ऑटोमेटिकली एकदम जूम्ड रहता है और क्रॉप्ड रहता है अंदर की तरफ से. सो मैं आपको शूट करके भी बताऊँगी कि मैं पिक्चर्स कैसे क्लिक करने वाला हूँ, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे शूट करना है आपको. एंड प्लस मैं ऑलरेडी एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं इसको एडिट कैसे करता हूँ, ठीक है. तो मैं एक एडिटेड पिक्चर रखूँगा और एक नॉर्मल पिक्चर रखूँगा ताकि अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो एडिट वाला बनाऊँगा. सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं आपको एकदम नीचे से बता देता हूँ कि नीश अकाउंट का मतलब क्या होता है. आप लोग देख सकते हो मैंने पहले नीचे से फ़ोटो स्टार्ट किया हुआ है पूरा, ठीक है. बीच में मेरा एक ये वीडियो था टाइगर भाई के साथ में तो मैं निकाल नहीं सकता था बिकॉज मेरे काम है वो रखना एंड मैंने बोला चलो एक वीडियो से कुछ नहीं होता. बट मैंने फिर वापस से उसको नीश कर दिया पूरा. आप लोग देख सकते हो यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है पूरा, आप खुद ही देख सकते हो. आप किसी और के अकाउंट को फॉलो करते हो एंड आप अगर ये अकाउंट फॉलो करोगे आप डेली कंटेंट देखना चाहते हो यार. आप जो चीज़ें आपको मतलब किसी का अगर फोटोग्राफी पसंद है, किसी का अगर लाइफस्टाइल पसंद है, किसी का रहन सहन पसंद है, किसी का एडिटिंग आपको पसंद है तो आप लोग ज़रूर फॉलो करोगे, मुझे पता है. क्योंकि आप लोग को भी सीखना है. हम लोग कभी भी कोई चीज़ अगर किसी को फॉलो करते हैं ना हम लोग इसके लाइफस्टाइल से फॉलो करते हैं, या तो हम लोग इसके फ़ैन होते हैं मोस्टली, या हमको किसी का फोटोग्राफी पसंद आता है या किसी का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप नॉर्मली उसको फॉलो करते हो, ठीक है. आपको डेली वो चीज़ देखना है. आप लोग देख सकते हो यहाँ तक मेरा फ़ोटोज़ था, ठीक है. फ़ोटोज़ के बाद में
ठीक है, मेरा वीडियो सेक्शन स्टार्ट होता है। मैंने सिर्फ वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, यहाँ से देख सकते हो आप। आवेश के साथ में है एंड मैं शिलोंग गया था वहाँ का है, मैं ट्रैकिंग पे गया था वहाँ का है, मतलब काफ़ी कंटेंट होता है भाई। ओके एंड फिर देखो यहाँ पे मैंने फिर सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है 6 फोटो का, 3 वीडियो का एंड फिर फोटोज़ का। आप लोग देख सकते हो काउंट करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके एंड देन फिर वीडियो का सेक्शन स्टार्ट होता है एंड फिर मैंने 3 फोटोज़ डाले, फिर मैंने 3 वीडियोज़ डाले एंड फिर ऊपर आके मेरा जो ख़त्म होता है वो है 6 फोटोज़ के ऊपर। अब मेरे को और कंटेंट बनाना है इसके ऊपर ताकि मैं प्रॉपरली मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम का मैं हैंडल कर सकती हूँ। मेरे को नॉर्मली ऐसा रखना पड़ता है क्योंकि मैं एज एन इन्फ्लुएंसर काम करता हूँ तो मुझे रखना ही पड़ता है क्योंकि लोग देखते हैं मेरा प्रोफाइल एंड उसके भी हाफ ऑफ मुझे काम मिलता है ब्रांड्स। एंड आपको और एक बता देता हूँ मैं, आप ये देख सकते हो इसमें मैंने भर भर के फ़ोटो डाले। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, दो दो अकाउंट बना सकते हो ताकि अगर आपको एज एन इन्फ्लुएंसर काम करना है तो ये बहुत मैटर करता है, पब्लिक पहले आपका अकाउंट देखता है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने मतलब लिटरली पूरा भर भर के जो मुझे पिक्चर्स मेरे दोस्तों के, मेरे मॉम डैड के साथ में हैं, मतलब मेरे को लिटरली बोलते ना, मतलब मेरे को जो एक्सप्रेस करना होता है मेरे इंस्टाग्राम पे मैं नॉर्मली मेरे अकाउंट पे नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मेरे को लोग देखते हैं, जानते आनते हैं एंड यहाँ पे मैं तो भर भर के मतलब पोस्ट कर देता हूँ यार, देख लो आप खुद ही देख सकते हो। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन नीच अकाउंट एंड एक नॉर्मल अकाउंट में। नॉर्मल पब्लिक अगर मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे फैंस हैं तो नॉर्मली मेरे को इस यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। ठीक है, बट जो ब्रांड्स ज़्यादा है ना वो मेरे को इस पेज पे फॉलो करते हैं। आपको मैं बता सकता हूँ, ये देखिए एक मुझे यहाँ से आया हुआ है, करना ही पड़ता है यार, आप देख सकते हो। तो मेरा मेन रीज़न ये है कि अगर आप, और ऐसा नहीं है कि आप लोग सब लोग मेरे को बोलते कि भाई तेरे पास DSLR है तो फोटो खींच के डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक दो फोटोज इसके बाद दिखाऊंगा कि मैंने जो 1+5 से लिया है उसको मैंने प्रॉपरली एडिट किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको एडिटिंग का भी वीडियो दिखाऊं जो मैं जिस तरीके से फ़ोटो एडिट करता हूं, तो मेरे को नीचे कमेंट करिए। ठीक है, मैं ज़रूर बनाऊंगा उस चीज़ के लिए वीडियो। मेरे को काफ़ी लोग मतलब मैसेज करने लगे नीचे कमेंट्स में, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ एंड आप लोग को सीखने मिल रहा है भाई मेरे तरफ से, मुझे और क्या चाहिए। तो यप। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड घंटा दबाना मत भूलो गाइस प्लीज़। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप लोग को पता चल जाए ना, आप लोग उसे देख सको।